और एट क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे नाइट्रिक एसिड के टॉपिक को। और नाइट्रिक एसिड की जो है वो मैंने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आपको बता दी कि किस तरह से हम उसको ऑसवर्ड प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो डिस्कस करने वाला हूँ मैं। आप जानते हैं नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कि ये जो नाइट्रिक एसिड आपके पास है, दिस नाइट्रिक एसिड HNO3 इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब चूंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। एसिडिक प्रॉपर्टी करने के लिए यहाँ पर हम दो रिएक्शन यहाँ पर बता देते हैं। पहला तो रिएक्शन विथ वाटर और दूसरा रिएक्शन विथ अ बेस। पहले तो मैं वाटर के साथ रिएक्शन इसका करा देता हूँ, ठीक है, इसको हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं। और आप जानते हैं आर्नियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो भी एसिड्स होते हैं जब उनको पानी में डाला जाता है तो वो क्या H+ ion लिबरेट करते हैं। तो ये अपना H+ ion लिबरेट कर देगा, वो H+ चले जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो ये NO3- ion अलग हो जाएगा, NO3- ion अलग हो जाएगा, और वाटर में जब H+ और आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा, ठीक है। NO3- ion ये कौन सा आयन बन गया हमारे पास, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट आइन बना। और H3O+ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आइन, इसी को हाइड्रोनियम आइन भी कहते हैं, इसी को हम प्रोटोनेटेड वाटर भी कहते हैं, और इसी को एसिडिफाइड वाटर भी कहा जाता है। एसिड को जब भी पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रोनियम आइन क्रिएट हो जाता है H3O+, चूंकि H+ पानी एसिड का वाटर के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन सेकंड हमारे पास जो है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आप जानते हैं कौन सा रिएक्शन होता है, यस, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। तो H+ NO3- Na+OH- HOH के साथ रिएक्शन करेगा, NaNO3 के साथ करेगा, तो क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा, जैसे सोडियम नाइट्रेट प्लस H और OH मिलकर क्या बना लेगा, वाटर। तो ये सोडियम नाइट्रेट आपके पास क्या हो गया, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट हो गया आपके पास, ठीक है। और इसी NaNO3 को हम लोग जो है वो सॉल्ट पीटर का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट पीटर, ठीक है, समझ में आ गई एसिडिक प्रॉपर्टीज आपको। तो इसी को सॉल्ट पीटर कहा जाता है सोडियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी है, नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी मतलब नाइट्रेशन भी कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड। ये आपने चैप्टर 7 के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा इस रिएक्शन को, कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इसका बेंजीन से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और क्या बनेगा कि इस बेंजीन रिंग के साथ ऊपर NO2 जाकर अटैच हो जाएगा और साथ में वाटर लिबरेट हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बनेंगे, जो बनाए, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। इसकी पूरी मैकेनिज्म हमने चैप्टर 7 के अंदर की थी, ठीक है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ही। समझ में आ गई दोनों प्रॉपर्टीज, एसिडिक और नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज। इसके मैकेनिज्म पे डील नहीं कर रहा, ये प्रॉपर्टीज जो है वो आपने चैप्टर 7 में आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के क्या क्या इस्तेमाल आते हैं। तो सबसे पहले तो इसको इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, खाद वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर मतलब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर को बनाने के लिए, जिनमें हमारे पास मौजूद है यूरिया। यूरिया के फॉर्मूला आप जानते हैं, दिस इज एक्चुअली NH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। तो यूरिया एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर होता है, वाई, बिकॉज इट कंटेन्स नाइट्रोजन इन द फॉर्मूला। यूरिया बनाने में इस्तेमाल करते हैं अमोनियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, ये सारे के सारे फर्टिलाइजर हैं। फर्टिलाइजर के बारे में जो डीप इन डिटेल डिस्कशन हमारे पास है वो चैप्टर 11 के अंदर शॉर्ट नोट पूरा आता है फर्टिलाइजर पर, उस पर मैंने पहले ही जो है वो लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिया है। तो आप चैप्टर 11 में प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर उसकी डिटेल, के फर्टिलाइजर करता क्या है और किस तरह से ये प्लांट्स की ग्रोथ में उसके डेवलपमेंट में मदद देता है। अभी जस्ट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लास्ट क्लास में बताया था कि नाइट्रिक एसिड जो है ना, इसके अच्छे और बुरे दोनों इस्तेमाल हैं, इसके गुड इम्पैक्ट्स भी हैं, इसके बैड इम्पैक्ट्स भी हैं, अच्छे इस्तेमाल भी हैं और बुरे इस्तेमाल भी हैं। अच्छे इस्तेमाल तो उसके यही हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है भाई, फर्टिलाइजर के तौर पर, खाद के तौर पर। और बुरा इस्तेमाल इसका यह है कि इसको जो है वो एक्सप्लोजिव्स को बनाने में या धमाके खेज मवाद बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड वो इसके जो बैड यूजेज है ये बता रहे हैं कि इट इज़ यूज इन ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट। ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट ये जिसको हम नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, इसको बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एक्सप्लोजिव होता है, धमाके खेज मवाद होता है, उसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए ना, ठीक है, दिस इज नाइट्रोग्लिसरीन का। तो नाइट्रोग्लिसरीन को जिस तरह से होता है, कार्बन कार्बन कार्बन, देखो ये तो होता है हमारे पास ग्लिसरीन, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसे ही होता है ना, दिस इज ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन इसको हम कहते हैं। अगर इसमें OH के साथ दूसरे बॉन्ड पर NO2 लगा दिया जाए, ठीक है, तो बच्चे तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरिल ट्राईनाइट्रेट।
जैसे को हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन एक एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव से मतलब क्या होता है, धमाका खेज मवाद है ये, ठीक है। ये एक एक्सप्लोजिव है, ये एक धमाका खेज मवाद है जो डेंटोनेट हो जाता है। डेंटोनेट का मतलब होता है फटना, जो फट जाता है वायलेंटली इवन विद अ स्लाइट शॉक, हल्के से शॉक के साथ जो है वो क्या होता है, वो फट जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। इस नाइट्रोग्लिसरीन से बहुत सारे हम जो है वो वेपन्स को बनाते हैं, जैसे कि वो ग्रेनेड बनाया जाता है। आपने देखा होगा हैंड ग्रेनेड, ठीक है, देखा ना हैंड ग्रेनेड, इस टाइप का होता है हैंड ग्रेनेड और उसके ऊपर इस तरह से की लगी हुई होती है, ठीक है। तो हैंड ग्रेनेड के अंदर जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन भर दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर जो है उसकी एक पिन लगी हुई होती है, पिन भी एक साथ उसके लगी हुई होती है, ऐसे ही ना। तो अब ये पिन अगर आप निकाल लेंगे ना तो ये नाइट्रोग्लिसरीन एक्टिव हो जाएगा। अब हल्का सा इसको शॉक पड़ेगा ना, कहीं झटका पड़ेगा जैसे, तो क्या होगा, धमाके से फट जाएगा। जैसे ना जब तक पिन लगा हुआ है तो आप कहीं पर फेंक दो उठा के उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपने पिन निकाल लिया एक बार, उसके बाद अब आप उसको कहीं पर भी जहाँ पर भी जाके टकराएगा ना, शॉक जैसे झटका लगेगा, रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और नाइट्रोग्लिसरीन धमाके से फट जाएगा। ऐसे ही होता है ना ग्रेनेड के अंदर, हैंड ग्रेनेड जिसको हम कहते हैं। अच्छा, पहले हम लोग मूवीज वगैरह में देख के हमें लगता था कि पिन जब तक ज़मीन पर गिरेगा नहीं तब तक वो फटेगा नहीं। वो दिखाते हैं ना मूवीज में कि जैसे पिन जैसे ज़मीन पर जाके टकराता है वैसे ग्रेनेड फट जाता है। तो उसका गिरने से कोई ताल्लुक नहीं है पिन के, वो मूवी में जैसे सिनेमेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं, वरना वो हल्के से शॉक के साथ क्या होता है, डेटोनेट हो जाता है, फट जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ना कुछ भी नहीं होगा, आप पिन निकाल के अपने हाथ में रखे रहे एक लंबे अरसे तक, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी नहीं फटेगा जब तक कि उसको शॉक नहीं लगे, झटका नहीं लगे। वो अपने पास ज़मीन पे गिरा दोगे वो फट जाएगा धमाके से। वो हमें ऐसा लगता है ना, वो मूवीज़ वगैरह में होता है, मैं हूँ ना मूवी जो है उसकी शाहरुख खान की, उसमें उसने ऐसा था ना, वो अगर आपने वो सीन देखा है, अगर देखा है मूवी आपने मैं हूँ ना, उसमें वो सुनील शेट्टी जो होता है ना वो हीरो, उसके विलन होता है, तो उसके वो उसके डायनामाइट्स जो उसके लगे हुए होते हैं ना उसके पास ग्रेनेड, तो वो पिन निकाल लेता है और पिन निकालने के बाद वो पिन उसको दिखाते हैं कि पिन जैसे ही वो नीचे गिरता है वो धमाके से फट जाता है। तो वो ऐसा होता नहीं है जब तक कि उसको शॉक ना लगे, तो वो एक मिस्टेक है मूवी के अंदर। समझ में आ गई बात। तो नाइट्रोग्लिसरीन एक बहुत हाईली एक्सप्लोजिव एक कंपाउंड है जो स्लाइट शॉक से, हल्के से शॉक से क्या होता है, फट जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। अच्छा, इसी नाइट्रोग्लिसरीन से हम क्या करते हैं, इससे हम ये तो ग्रेनेड बना ही सकते हैं, ग्रेनेड के अलावा डायनामाइट भी बना सकते हैं। तो ग्रेनेड के अलावा अगर आप डायनामाइट को देखें तो डायनामाइट में क्या होता है, वो स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट होता है। डायनामाइट इस तरह से होता है ना, लाइक दैट, टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा, यस, इस तरह से होता है। इसमें जो है वो एक इस तरह से एक विक लगी हुई होती है, ठीक है, यस। तो ये आपके पास डायनामाइट होती है, इसको जो है वो जो है माचिस लगाते हैं, इस पर स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है वो धमाके से फट जाता है। डायनामाइट सबसे पहले किसने बनाया था, अगर आपको इसको स्टोरी मैंने बताई डायनामाइट के बारे में, डायनामाइट बन के इन्वेंटर कौन था डायनामाइट का, इसका इन्वेंटर था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल वॉज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल एक अमेरिकन इन्वेंटर था, उसने बनाया था इसको। नाइट्रोग्लिसरीन एक कंपाउंड है जो कहीं इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है, हल्के से शॉक के साथ वो फट जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल साहब ने क्या किया था, उन्होंने जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन को अब्जॉर्ब किया था केसल घर में। केसल घर क्या होता है, एक तरह से ये सैंड या रेत जैसा ही होता है, रेत समझ लो आप उसको, केसल घर, ठीक है। तो एक रेत जैसा ही होता है, एक मिट्टी होती है ये। तो डायनामाइट के अंदर क्या करते हैं, केसल घर भरते हैं और केसल घर भरने के बाद उसमें क्या करते हैं, हम नाइट्रोग्लिसरीन जो एक लिक्विड होता है उसको स्टोर कर देते हैं, उसको एब्जॉर्ब करवा देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो जब केसल घर में जब नाइट्रोग्लिसरीन एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो फिर वो फटता नहीं है, फिर आराम से वो शॉक से, ठीक है। फिर उसको फटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इग्निशन करनी पड़ेगी, मतलब कंबसन कराना पड़ेगा, माचिस लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो फटेगा। तो जो डायनामाइट होता है, तो डायनामाइट दो चीज़ों का मिक्सचर है, नाइट्रोग्लिसरीन और दूसरा क्या चीज़ है, केसलगर। केसलगर मतलब एक तरह का जो है वो मिट्टी एक तरह की होती है उसमें। और ये काम सबसे पहले किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, इन्वेंटर था, 1800 की बात है ना, 1800 के दौर में कभी किया था उसने ये काम। अच्छा, जब उसने ये काम किया था ना, तो उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले थे उसको करने के, पेटेंट करवाया था, रजिस्टर करवाया था उसने याद को। और आपको पता है जब पेटेंट कराया जाता है किसी इन्वेंशन के, तो फिर मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर मिले थे उस काम के, बड़ा अमीर हो गया था वो अल्फ्रेड नोबेल। लेकिन क्या हुआ कि अल्फ्रेड नोबेल एक और उसके डायनामाइट की इजाद से अच्छे काम भी हो रहे थे, बुरे काम भी हो रहे थे। अच्छा काम तो उससे क्या हो रहा था, अच्छा काम तो ये हो रहा था कि उसकी मदद से डेटोनेट किया जा रहा था डिफरेंट बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं उनको गिराया जा रहा था,
वरना वो है ना पठान लगा दोगे तोड़ने के लिए, तो फिर वो एक जमाना लगा देगा उसको तोड़ने के लिए घर को। तो बड़े बड़े बिल्डिंग को, पुल वगैरह को डायनामाइट लगाकर हम तोड़ देते हैं ऐसे ना, जैसे कि वो बनारस के पुल जो था जो उसको तोड़ा गया सायमा ब्रिज व्यू के सामने, उसको भी ऐसे तोड़ा गया, मतलब सॉरी सायमा ब्रिज व्यू का जो पुल था डायनामाइट के थ्रू कराची में। तो इस तरह से डिफरेंट आपने नेट जियो वगैरह में भी देखा होगा कि वो डेटोनेशन स्क्वाड, एक पहले डिमोलिशन स्क्वाड्स के नाम से एक वो आया करता था, एक कोई प्रोग्राम आया करता था, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग को गिरा रहे होते थे वो। यूट्यूब पे उसकी कंपाइलेशन भी आपके पास मौजूद है, बिल्डिंग कैसे गिरती है। तो वो उसका अच्छा काम है डायनामाइट का। डायनामाइट के बुरे काम भी होते हैं, और बुरे काम से क्या मुराद होती है कि उसमें जैसे कि किसी सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर कोई ब्लास्ट क्रिएट करने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के काम होते हैं अल्फ्रेड नोबल के इस इजाद से। तो अब क्या होता था कि एक बार अल्फ्रेड नोबल जो है वो सुबह नाश्ता कर रहा था, तो अखबार पढ़ रहा था, अखबार में लिखा हुआ था डायनामाइट डेविल अल्फ्रेड नोबल डाइस टुडे, कि डायनामाइट बनाने वाला शैतान अल्फ्रेड नोबल आज दुनिया से चला गया, मर गया। अब अल्फ्रेड नोबल ने सोचा कि जब मैं दुनिया से, अच्छा वो तो जिंदा था ना, मतलब वो तो मरा नहीं है, उसने अखबार को फ़ोन किया दफ्तर में, ये रियल स्टोरी है, और उसमें बताया कि भाई मैं जिंदा हूँ, तुम क्या गलत खबर छाया कर रहे हो मेरे बारे में। तो अखबार वालों ने कहा कि भाई हमसे गलती हो गई है, तो हम ये खबर मतलब कि मतलब हटा देंगे, या इसको हम इसकी माफ़ीनामा हम छाया कर देंगे। तो फिर फ़ोन बंद कर दिया। तो फिर अल्फ्रेड नोबल ने सोचा कि जब मैं मर जाऊँगा तो लोग मुझे इस नाम से याद करेंगे कि द डायनामाइट डेविल अल्फ्रेड नोबल डाइस टुडे, कि डायनामाइट बनाने वाला शैतान अल्फ्रेड नोबल आज मर गया, क्योंकि मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, मैं तो लोग साइंस की हर इजाद टू एज वेपन की तरह है, लोग आप उसको अच्छा बुरा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने फिर ये सोचा कि कुछ ऐसा कर चलो यहाँ के बहुत याद रहो, कि इंसान कुछ ऐसा दुनिया में करके जाए कि उसको अच्छे नामों से याद किया जाए। उसने क्या किया, अपने सारे पैसे जो भी दौलत उसको मिली थी ना अमेरिकन गवर्नमेंट से, उसने अपनी सारी दौलत को एक फाउंडेशन में रखवा दिया जिसका नाम रखा उसने नोबेल फाउंडेशन, और कहा कि जिस साल मैं मर जाऊँ, जिस साल मैं मर जाऊँ उस साल क्या हो, मेरे पैसों से कुछ पैसा जो है वो उन लोगों को इनाम में दे देना जिन्होंने साइंस के अंदर, साइंस के बजाय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के अंदर अच्छा काम जिन्होंने किया होगा, तो हर साल मेरे पैसे में से कुछ पैसे इनाम उसको दे देना मेरे नाम से। नोबेल फाउंडेशन कहलाता था ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। और सन 1900 में जाकर उसकी मौत हो गई अल्फ्रेड नोबेल की, और सन 1900 में ही जो है वो पहला नोबेल इनाम किया, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किया, और उसको फिर जो भी, और सन 1900 से जो गया सन 2021 तक, मतलब काफ़ी साल हो गए, 121 साल हो चुके हैं, और हर साल लगातार नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। तो आज हम अल्फ्रेड नोबेल को इस नाम से दुनिया में कोई याद नहीं रखता कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया था। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको तो आपको पता लग रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल वॉज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, लेकिन हर कोई इस नाम से ज़रूर याद रखता है कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही दुनिया भर के साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम के आगे लिखा हो तो नोबेल प्राइज़ होल्डर, अल्बर्ट आइंस्टाइन द नोबेल प्राइज़ होल्डर, रदरफोर्ड द नोबेल प्राइज़ होल्डर, नील्स बोहर द नोबेल प्राइज़ होल्डर। तब नोबेल अल्फ्रेड नोबेल को अच्छे नामों से लोग याद रखते हैं, ठीक है। तो यही इससे हमें मैसेज मिलता है कि स्टोरी से, कि हमेशा इंसान को ऐसे काम करके दुनिया से जाना चाहिए कि लोग अच्छे नामों से उसको याद रखें, बनस्बत इसके कि बुरे नाम से याद रखें। तो डायनामाइट बनाया कैसा था इसने, इसने नाइट्रोग्लिसरीन को जो है वो केसलगर में जो है वो डिजॉल्व करके अब्जॉर्ब करके बनाया था। क्लियर है यहाँ तक बात, सेकेंड यूज इसका मैं बता रहा हूँ। देन इसके बाद थर्ड यूज इसका है, थर्ड इज द मालिक, इट इज यूज टू प्रिपेयर एक्वा रीजिया। अच्छा इससे पहले के सेकंड यूज पे आओ, मैं बता दूं कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, इससे डिफरेंट तरह के एक्सप्लोजिव हम बना सकते हैं, सिर्फ यही एक्सप्लोजिव नहीं बनता इससे। मतलब अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट एक्सप्लोजिव लिख दूँ, अलग अलग कौन से एक्सप्लोजिव हम इससे बना सकते हैं, तो बहुत सारे बना सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया डायनामाइट, और डायनामाइट कैसे बनेगा वो आपको नाइट्रो ग्लिसरीन है, इसके साथ आप क्या मिक्स कर दोगे केसलगर, तो ये बन जाएगा ग्रेनेड। हैंड ग्रेनेड का बताया मैंने आपको, हैंड ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड में क्या होता है वो सिर्फ नाइट्रोग्लिसरीन होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, लेकिन उसके साथ आप क्या कर देते हैं, पिन अटैच कर देते हैं, ठीक है, ये हैंड ग्रेनेड कहलाता है। देन उसके बाद और एक्सप्लोजिव आप इससे बना सकते हैं नाइट्रिक एसिड से, अगर आप TNT बना सकते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। TNT बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी टोलुइन आपके पास है, टोलुइन कंपाउंड का रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड से करा दोगे कंसंट्रेटेड, तो TNT बन जाएगा, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। ये चैप्टर 7 में मैंने बताया था आपको इसके बारे में, चैप्टर 9 में बताया था सॉरी। TNP बना सकते हैं, TNP जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा भाई, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिनोल का रिएक्शन कराना पड़ेगा HNO3 के साथ, ये भी चैप्टर 9 में पढ़ा था, पिक्रिक एसिड भी एक एक्सक्लूसिव है TNP। इस तरह से अगर आप क्या कर लो, आप इससे बना सकते हो C4 जिसको RDX बताया था मैंने, RDX भी कह सकते हैं इसको, साइक्लोनाइट भी कह सकते हैं, साइक्लोनाइट C4 या RDX, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव RDX।
इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो है वो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराना पड़ेगा, उसको मिक्स करना पड़ेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अगर नाइट्रिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आप मिक्स कर दोगे तो फिर बनेगा आपके पास RDX या साइक्लोनाइट। ये भी एक्सप्लोजिव है जो वर्ल्ड वॉर टू में इस्तेमाल किया गया था। इस तरह से अगर आप ले लो एल्युमिनियम और एल्युमिनियम पाउडर, एल्युमिनियम नाइट्रेट ले लो और एल्युमिनियम पाउडर ले लो, तो उससे आपके पास एक्सप्लोजिव बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनल। अमोनल बन जाएगा, अमोनल भी एक एक्सप्लोजिव है। ये चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे उसको एल्युमिनियम के टॉपिक में। तो देखा डायनामाइट, हैंड ग्रेनेड, TNT, TNP, RDX, अमोनल, ये सब बन सकता है। इन सब के पीछे एक मेन कंपोनेंट हमारे पास है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सो नाइट्रिक एसिड कैन बी यूज टू प्रिपेयर अ नंबर ऑफ एक्सप्लोजिव्स। दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं कि इसके बुरे इस्तेमाल भी हैं, किसकी मदद से हम डिफरेंट तरह के धमाके खेज मवाद इस्तेमाल बना सकते हैं। ये तमाम के तमाम बॉम्ब्स वगैरह को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, क्लियर बात समझ आ रही है? सो फाइनली जो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका थर्ड यूज आता है ना, दैट इज द इट इज यूज टू प्रिपेयर एक्वारीजिया। एक्वारीजिया को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्वारीजिया के बारे में अलग से क्वेश्चन भी पेपर में आस्क किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड का टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है, तो ये आपको डिटेल में समझना पड़ेगा हर एक चीज़ के बारे में। एक्वारीजिया क्लास 9 के अंदर भी आपने इसको पढ़ा होगा, किसे कहते हैं एक्वारीजिया। एक लैटिन वर्ड है, लातिनी जबान का वर्ड है, इट इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, सो इट इज अ लैटिन वर्ड। एक्वा मीन्स होते हैं वाटर और रीजिया मतलब होता है रॉयल, रॉयल वाटर। रॉयल मतलब बादशाही या शाही, और वाटर मतलब आब या पानी, बादशाहों का पानी या आबे शाही इसको हम कहते हैं उर्दू में। ठीक है, तो एक्वारीजिया इज कॉल्ड रॉयल वाटर, या इसी को हम आबे शाही कह सकते हैं। वाई? बिकॉज इट कैन डिजोल्व गोल्ड। ये वाहिद लिक्विड है जो कि गोल्ड को डिजोल्व कर सकते हैं। गोल्ड के बारे में आप जानते हैं, गोल्ड इज नोन एज रॉयल एलिमेंट। बादशाहों को जो एलिमेंट है, रॉयल एलिमेंट हमारे पास गोल्ड होता है, तो जो गोल्ड को डिजोल्व कर लेगा वो वाटर, रॉयल वाटर होगा। एक्वारीजिया को लैटिन में हम कहेंगे आबे शाही। तो एक्वारीजिया एक ऐसा सॉल्वेंट है, एक ऐसा लिक्विड होता है कि अगर आप उसके अंदर गोल्ड डालोगे ना, सोने की अंगूठी डालोगे, तो थोड़ी देर में सोने की अंगूठी क्या होगी, वो डिजोल्व हो जाएगी, उसके अंदर हल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एक्वारीजिया। अभी सारी डिटेल डिस्कस करता हूँ कैसे बनाया जाता है, किस तरह एक्शन करता है, सब चीज़ बताता हूँ। देखो जाबिर बिन हयान ने जब एसिड्स बनाए थे ना, जब उसने बनाया था नाइट्रिक एसिड, तो इसको मैं यहाँ से रब कर दूँ। ठीक है, देखो तब जाबिर बिन हयान ने जब एसिड बनाया था नाइट्रिक एसिड, तो उसने नाइट्रिक एसिड सबसे पहले डाला था एक बाउल के अंदर। उसने सोचा किसी बाउल में रखेंगे, तो जैसे आयरन के बाउल में, लोहे के बाउल में उसने नाइट्रिक एसिड को रखा है HNO3 को। तो नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रांग था कि वो इस वाटर से, मतलब इस आयरन के बाउल से सुराख करके बाहर निकल गया। फिर उसने उसको रखा सिल्वर में, सिल्वर के बकेट में रखा, सिल्वर के बाउल में रखा। जब सिल्वर के बाउल में रखा तो सिल्वर के बाउल से भी सिल्वर नाइट्रेट बनकर, कंपाउंड सिल्वर ने रिएक्शन के नाइट्रिक एसिड से सिल्वर नाइट्रेट बना और वो सुराख करके बाहर निकल गया नाइट्रिक एसिड इसके अंदर से भी। मतलब इसलिए उसने बोला कि सिल्वर से भी ये सिल्वर को भी डिजोल्व कर ले रहा है, ये सिल्वर के प्याले में भी छेद कर दे रहा है। तो उसने इसको स्ट्रॉन्ग वाटर कहा, एक्वा फोर्टिस, तेजाब। ठीक है, ये जाबिर बिन हयान का दिया हुआ नाम था, चूँकि जो नाइट्रिक एसिड उसका एक्वा फोर्टिस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर, तेजाब। फिर इसने क्या किया कि इसने फिर इसको नाइट्रिक एसिड को डाला किसमें, AU मतलब गोल्ड, गोल्ड के बाउल के अंदर उसने इसको रखा, तो वो सेव रह गया नाइट्रिक एसिड इसके अंदर। अब इसमें इसने सुराख नहीं किया, मतलब नाइट्रिक एसिड गोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, ना ही गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है, तो ये इसके अंदर HNO3 है। फिर इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट किया कि उसने HNO3 के साथ HCl का रिएक्शन करा दिया, HCl मिक्स कर दिया। जब इसने दोनों एसिड साथ में मिक्स किया ना, तो क्या हुआ कि एक ऐसा सोल्यूशन बना जो गोल्ड को भी डिजोल्व करके छेद करके बाहर निकल गया। तो ये जो है ना HCl और नाइट्रिक एसिड, इनका मिक्सचर के का नाम रखा जाबिर बिन हयान ने एक्वारीजिया, रॉयल वाटर, चूंकि ये गोल्ड को भी डिजोल्व कर ले रहा अपने अंदर से। बस अंदर क्या बता रहा हूँ, तो आपको पता है शुरू में जो अल्केमिस्ट थे, पुराने वक्तों में जो अल्केमिस्ट थे, कीमियादान थे, वो ज़्यादातर गोल्ड पर रिसर्च करते थे। मैंने आपको केमिस्ट्री की हिस्ट्री में बताया था कि केमिस्ट्री की शुरुआत हुई दो चीज़ों से। पहली चीज़ के किस तरह, हाउ टू मेक एलेक्सिर, इमॉर्टल ड्रिंक, किस तरह से आब हयात को बनाया जाए, आब हयात बनाया जाए, एक ऐसा पानी जिसको पीकर इंसान अमर हो जाए, हमेशा के लिए जी जाए, ऐसा पानी। और दूसरा, हाउ टू कन्वर्ट चीपर मेटल्स इंटू गोल्ड, कैसे सस्ते धातुओं को
मतलब लोहे को, पीतल को और तांबे को किस तरह से हम उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर पाएं। और इसी सस्ते धातु को गोल्ड बनाने की जो चाहत थी, ये जो लगन थी, ये जो इल्म था, ये आगे जाकर केमिस्ट्री की बुनियाद बनी पूरी तरह से। अगरचे साइंस आज तक जो है वो सस्ते मेटल को गोल्ड नहीं बना पाई, ना ही अभिहयात बना पाई है केमिस्ट्री, लेकिन इन सब को बनाने के चक्कर में उसने पूरी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री शुरू कर दी जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत कुछ और बना पाए दुनिया में, कंज्यूमर प्रोडक्ट बना पाए। ये हज़ारों सालों से होता चला रहा है, अभी से नहीं, ग्रीक पीरियड है, मुस्लिम पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है, हर दौर में होता रहा है ऐसा। अल्केमिस्ट ने बड़ा काम किया। अल्केमिस्ट किसे कहते थे? दैट इज़ जो अरब साइंटिस्ट हैं जो इस चीज़ पर लगे हुए थे, जाबिर बिन अयान वगैरह, वो अल्केमिस्ट कहलाते थे। ठीक है, तो ये एक्वारीजिया भी असल में जो इन्वेंशन है ये अल्केमिस्ट की है, मतलब ये इन्वेंशन भी किसकी? जाबिर इब्न हयान की है। इन्होंने ही एक्वारीजिया को बनाया था, जैसे नाइट्रिक एसिड जो भी इन्होंने बनाया था, और उस नाइट्रिक एसिड में आप HCl मिक्स कर देते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बन जाता है एक्वारीजिया। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड, HCl एंड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ये मिक्सचर है। और क्या? 3 parts ऑफ HCl एंड 1 part ऑफ नाइट्रिक एसिड। 3 moles आपको HCl के लेने पड़ेंगे, 1 mole आपको नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक टेस्ट ट्यूब अगर आप नाइट्रिक एसिड डालें तो 3 test tubes आपको क्या डालना पड़ेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे क्या होगा, दोनों साथ में मिक्स होंगे तो एक सॉल्वेंट बनेगा, जो लिक्विड बनेगा उस लिक्विड को हम लोग एक्वारीजिया कहते हैं। अब उसी एक्वारीजिया में अब आप गोल्ड डालोगे तो वो गोल्ड को डिजॉल्व कर देगा अपने अंदर। वैसे आप क्यों ऐसा हो पाता है कि कैसे गोल्ड को डिजॉल्व कर सकता है अपने अंदर? देखो, नाइट्रिक एसिड के HCl से रिएक्शन हो जाता है। व्हेन दीज टू एसिड्स रिएक्ट टुगेदर, ये 1 ratio आपको दिख रहा है, 3 ratio दिख रहा है, 1:3 के रेशियो में जुड़ रहे हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं तो बनता है वाटर, NOCl और Cl। NOCl कहलाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, दिस इज नाइट्रोसिल क्लोराइड। और Cl यहाँ पर जो बना एटॉमिक स्टेट में बना है, दिस इज नेसेंट क्लोरीन, आप इसको कह सकते हैं, या इसको आप एटॉमिक क्लोरीन भी कह सकते हैं। नेसेंट तो नहीं है अभी फिलहाल, मैं इसको एटॉमिक क्लोरीन कह देता हूँ, कि ये एटॉमिक हालत में बनेगा, डायटॉमिक में नहीं बनेगा, सिंगल एटॉमिक स्टेट में बनेगा। ठीक है, एटॉमिक क्लोरीन बन जाएगा हमारे पास 2Cl। अब ये जो Cl है ना, ये Cl रिएक्शन कर जाएगा गोल्ड के साथ, ए जू आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड गोल्ड, जिसका लैटिन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑरम। दिस क्लोरीन विल रिएक्ट विद दिस गोल्ड, तो जब ये गोल्ड से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा AOCl3। गोल्ड की प्लस 3 वैलेंसी क्लोरीन के नीचे आ जाएगी, इसको हम लोग गोल्ड क्लोराइड कह सकते हैं, या तो आप इसको कह दो गोल्ड क्लोराइड, या इसको हम लोग कह सकते हैं ऑरिक क्लोराइड, ये दोनों नाम इसी के हैं। अब ये गोल्ड क्लोराइड, ये ऑरिक क्लोराइड, ये असल में क्या है? दिस इज वाटर सॉलेबल सॉल्ट ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड का वाटर सॉलेबल सॉल्ट है। तो जो पानी बना होगा ना एक्वारीजिया में, वो उस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा गोल्ड क्लोराइड। तो गोल्ड क्लोराइड जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड क्लोराइड जो बना वो एक वाटर सॉलेबल सॉल्ट है। मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, कि सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस तरह से एक्वारीजिया को बनाया जाता है, तो इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अच्छा, और किस वजह से जो है वो सॉलिबिलिटी होती है गोल्ड की एक्वारीजिया के अंदर? ड्यू टू दिस नेसेंट क्लोरीन, या एटॉमिक क्लोरीन, इस एटॉमिक क्लोरीन की वजह से। बिकॉज ये क्लोरीन रिएक्शन कर जाता है गोल्ड के साथ, क्या बन जाता है? गोल्ड क्लोराइड। और गोल्ड क्लोराइड वाटर सॉलिबल होता है, हल हो जाता है सॉल्ट की सूरत में। मतलब गोल्ड अपनी सूरत में हल नहीं होता उसके अंदर, गोल्ड पहले सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट बनने के बाद फिर वो डिजॉल्व हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, इस तरह से सोने की अंगूठी जब आप एक्वारीजिया में डालने के बाद जब उसको छोड़ दोगे 15-20 मिनट, तो वो गायब हो जाएगा उसके अंदर, गायब होने से मतलब डिजॉल्व हो जाएगा उसके अंदर जाकर। अब हाउ टू यूज़, क्यों इस्तेमाल करते हैं एक्वारीजिया को, एक्वारीजिया को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैं खुद पर्सनली इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि हमने देखा होगा बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट एनालिसिस के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट ट्यूब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है कि वो गंदे हो जाते हैं, उनमें देखा होगा कभी आपने कॉलेजेस के अंदर वो निशान वगैरह बने होते हैं, तो सही से रीडिंग नहीं आ रही होती है, प्रिसिपिटेट्स या कलरेशन आपको ठीक से दिख नहीं रही होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है वो उसके लिए एक्वारीजिया बना देते हैं। एक्वारीजिया बनाने के बाद एक्वारीजिया बनाते हैं, और एक्वारीजिया को बनाने के बाद हम उसको थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब के अंदर डालकर छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। तो टेस्ट एक्वारीजिया क्या करता है, तमाम तरह के सॉल्ट को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद जो है वो उसके एक्वारीजिया अंदर जो होता है उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करके ऐड करके फेंक देते हैं, तो पूरा जो टेस्ट ट्यूब है वो बिल्कुल न्यू जैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, शफाफ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो एक तो ये इस्तेमाल लैब के अंदर एक्वारीजिया का किया जाता है डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स को डिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि हर सॉल्ट को डिजॉल्व कर सकता है अपने अंदर एक्वारीजिया। और इसके अलावा उसको मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे मोबाइल फ़ोन के सर्किट्स होते हैं, कंप्यूटर के सर्किट चिप्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, उसके अंदर गोल्ड वायरिंग हुई भी होती है, सोने की वायरिंग हुई होती है।
अब आप उस गोल्ड को अगर अलहदा करना चाहो ना, तो उसका भी सिंपल ये तरीका होता है कि आप जितने भी चिप्स आपके पास हैं, उन चिप्स को जो है वो, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर आपके पास हैं, चिप्स हैं, उनको आप जो है वो एक एक्वेरिजिया के बकेट के अंदर डाल दो। तो एक्वेरिजिया के बकेट में जब आप उसको डालोगे तो क्या होगा, सारा का सारा गोल्ड एक्वेरिजिया का के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। फिर आप फिल्टर कर लो तो प्लास्टिक उसका सारा अलग हो जाएगा और गोल्ड डिजॉल्व एक्वेरिजिया अलग हो जाएगा। देन आप उसको क्या कर दो, हीट कर दो। जब आप उसको एवोपरेट करोगे तो सारा एक्वेरिजिया जो है एवोपरेट हो जाएगा और सॉलिड गोल्ड जितना भी होगा, थोड़ा सा कुछ मिलीग्राम्स होंगे, वो आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। सदर के अंदर बड़ी मिकदार में ये काम हो रहा होता है, मतलब जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह बिक रहे होते हैं, तो उसमें इसलिए ये काम हो जाता है इजिली कि वहाँ पर इजिली, मतलब कि बहुत स्पेयर में बहुत सारे आपको पता है कंप्यूटर वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर आप कंप्यूटर जो है वो कभी कभार, चूँकि ब्रांडेड कंप्यूटर्स हमारे पास आ रहे होते हैं ना, तो वो कंप्यूटर बजाते खुद महंगा होता है, हमें सस्ता मिल जाता है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। तो कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी जो चिप है ना, उसमें वायरिंग ज़्यादा महंगी होती है गोल्ड की, जितने रेट में आपको मिल रहा होता है वो चिप। इसके अंदर से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करके क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो एक्वेरिजिया के डिफरेंट मैं आपको बता रहा था कि गोल्ड को डिजॉल्व करने के इस्तेमाल क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, दैट्स इट फॉर।